गाजीपुर सीट जो पूर्वांचल की बहुचर्चित सीटों में से एक है। किसी जमाने में यहाँ बाहुबली मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, लेकिन अब जब मुख्तार की मौत हो चुकी है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या गाजीपुर की गद्दी पर असर पड़ेगा, क्या इससे गाजीपुर की समीकरण पर खास बदलाव देखा जाएगा। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो प्रतीत होता है कि गाजीपुर के वोटरों का दिल जीतना इतना आसान भी नहीं। इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो गाजीपुर की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पारसनाथ राय, बसपा की तरफ से डॉक्टर उमेश सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सीट पर, चुनावी फैक्टर की बात कर लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोग के तौर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनावी मैदान में थे, जो इस समय भाजपा के सहयोगी हैं। वहीं पिछले 10 वर्षों से चुनावी परिणाम के आधार पर लोगों का मानना है कि गाजीपुर की सीट पर जातीय मुख्तार अंसारी की मौत पिछले चुनावी परिणाम जैसे कई फैक्टर प्रभावी कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अंसारी परिवार के लिए एक सहानुभूति लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, जो सपा के तरफ से चुनावी मैदान में है, उन्हें हराना आसान नहीं होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में भी अफजाल अंसारी ने 1,19,392 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। इसके अलावा 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को विधानसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी जैसे रूहाबाद और बाहुबली छवि के आगे एक शिक्षक और सामान्य कार्यकर्ता पारसनाथ राय को चुनौती मैदान में उतारा है। इससे पहले पारस राय ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो दूसरी तरफ राजपूत कैंडिडेट के तौर पर वीएसपी की तरफ से डॉक्टर उमेश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो वीएचयू के छात्र संघ राजनीतिक से लेकर छात्र संघर्षों के अलग अलग अनुभव का प्रयोग इस लोकसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। ऐसे में देखना होगा कि पारसनाथ राय या डॉक्टर उमेश सिंह अंसारी परिवार को शिकस्त दे पाते हैं या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।